राष्ट्रीय पक्षी मोर का नजारा तो सभी ने देखा होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर जंगल में पाया जाने वाला ये पक्षी मोर नहीं, मोनाल है। हालांकि मोनाल की शक्ल कुछ हद तक मोर से मिलती है, इसलिए जब भी इस पक्षी को कोई आम व्यक्ति देखता है तो इसे मोर ही कहता है। लेकिन शिमला के बीचों बीच स्थित हिमालयन बर्ड पार्क में आप मोनाल और मोर के बीच का अंतर पक्षियों के बीच खड़े होकर अनुभव कर सकते हैं। हम पार्क में जाते हैं, हमें बंधे हुए पक्षी मिलते हैं जाल के अंदर, तो अगर फोटो या भी कुछ लुक देखना चाहते तो क्लियर लुक नहीं आता है। यहाँ एकदम ऐसा लग रहा है एकदम क्लियर लुक, और आप फील करते हो कि हाँ रियली ये है पार्क। हिमालयन बर्ड पार्क में 7 किस्म के पक्षी पाए जाते हैं। ये है सिल्वर फेजेंट, ऐसा लगता है जैसे मोर ने अपना रंग बदल लिया हो। बच्चों के लिए इन पक्षियों को भागते छुपते देखना और बतख को पानी के अंदर डुबकी लगाते हुए बाहर आना एकदम अलग अनुभव है। डक पानी पीती यार, साथ ही साथ अपना मुंह अंदर पानी के घुसेड़ लेती है। न केवल स्थानीय पर्यटक बल्कि विदेशों से आने वाले पर्यटक भी इस पक्षीशाला में पक्षियों को देखकर काफी खुश होते हैं। लोगों का मानना है कि जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ऐसे रोमांचकारी हिमालयन बर्ड पार्क को बंद नहीं करना चाहिए। जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता न मिलने के कारण अब हिमालयन जू पार्क बंद होने की कगार पर है, लेकिन कहा जाता है कि ये पार्क ब्रीडिंग की दृष्टि से बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। नंदिनी मित्तल, डीडी न्यूज़, शिमला।